आज का टॉपिक है डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव। हेडिंग बना लो, डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या लेक्चर है ये। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर, 2 या 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको अच्छे से समझना। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। इसका मीनिंग क्या होता है? रेट ऑफ चेंज, साथ साथ नोट करते जाते, रेट ऑफ चेंज। इसका मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज। कृतिका आवाज आ रही है? कृतिका बेटा आवाज आ रही है क्या? कृतिका, नूर, ओके। हाँ सर एक बार फिर बताना जो बताया, मैं अभी ज्वाइन हूँ बस। बताया नहीं कुछ बेटा, दी बता रहा हूँ मैंने। ये बताया कि डिफरेंशिएशन हमने शुरू किया है और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, किसी का भी चेंज किसी के विद रेस्पेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिखता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज, साथ साथ नोट करते जाना, चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का एक्स के साथ चेंज होना, मतलब एक्स बदलेगा तो वाई में चेंज आना, उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर मैं ऐसे लिखता हूं यहाँ डी वाई बाई डी पी, इसका क्या मतलब होगा सर बताओ? चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू पी। पी यहाँ टाइम होता है मोस्टली, हम टी टाइम के लिए लेते हैं। अगर हम टाइम के साथ चेंज करें तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी। ऐसा भी हो सकता है, इसका मतलब बताओ डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी। दिख रहा है बोर्ड? क्लियर दिख रहा है आपको जो मैं लिख रहा हूँ? अब इसका ग्राफिकल मीनिंग देखो क्या हो। मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, एक तरफ मैंने वाई लिया, एक तरफ मैंने एक्स लिया, और ये कोई कर्व है किसी भी शेप की। अब इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा? इसका ग्राफिकल मीनिंग ये होगा, अगर मैं यहां से 2 पॉइंट लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट, जैसे मैंने ये 2 पॉइंट लिए, तो यहां एक्स में चेंज आया ना, इस चेंज को लिखते हैं डी एक्स, डी फॉर चेंज। अब उसके उससे वाई में कितना चेंज आया, वाई में आप देख पा रहे हो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वाई में ये चेंज आया, इसको बोलते हैं डी वाई। एक्स के बदलने से वाई में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं डी वाई, और इस पूरे को क्या बोलते हैं? डी वाई बाय डी एक्स। डिफरेंशिएशन, या इसको आप डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। आप इसको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज। इसको करने के कुछ मेथड है, ये एक्चुअली मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, मैथमेटिकल टूल्स का टॉपिक है, लेकिन फिजिक्स में ये बहुत यूज होने वाला है आगे आगे, काइनेमैटिक्स में भी और आगे भी, 11th 12th दोनों ईयर में आपको डेरिवेटिव यूज होगा, न्यूमेरिकल करते हैं, इसलिए हम मैथ पढ़ रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन उस मैथ का यूज हमें फिजिक्स में आने वाला है।
इसको अच्छे से समझना, डिफरेंशिएशन। तो इसके रूल्स पे आ रहे हैं हम। पहला रूल नोट करो, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू x की कोई भी पावर है, n लिख लिया ना, कोई भी पावर 5, 6, 7, 9, माइनस में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, 1/2, 1/3, तो रूल को आपने फॉलो करना है। ये नहीं पूछना सर ये कैसे आया, ये मैथ्स वाले टीचर बताएंगे आपको, हम सिर्फ उस रूल को फॉलो करेंगे। रूल ये कहता है कि पावर आगे आएगी और उसमें से एक पावर कम कर दो, ये आपका आंसर हो। पावर आगे आएगी और उसी पावर में से आप एक कम कर दोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नूर समझ में आ रहा बेटा? नूर यस सर। ओके जैसे फर्स्ट एग्जांपल इसी रूल का, y इज इक्वल टू x की पावर 7, आप ही बताओ क्या आएगा इसका आंसर। 6/6 को बता, 7x की 6, पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, बस। पावर कोई भी है वो ये वाली पावर आगे लानी है और उसमें से एक वैल्यू कम करनी है, एक नंबर कम कर। जैसे इसका सेकंड एग्जांपल देखो, y इज इक्वल टू x की पावर 11, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 11x की पावर 10। थर्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू x की पावर -8, बताओ -9 होगी ना बेटा, -8 में से एक कम करेंगे तो -9 होगा। ये कंफ्यूज नहीं, लाइट कम तो नहीं रूम में, पानी तो बढ़ा लो, एक बार दिख रहा सबको, आईज पे इफेक्ट ना है बस ये। फोर्थ एग्जांपल आप ही बताना, आपके लिए सब बच्चों के लिए, एक्स की पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या है, बताओ। 3/2 आगे आएगा, थ्री बाय टू में से क्या कम करना है, 1। तो इसको सिंप्लीफाई किया, कॉमन क्या आएगा, 1/2 इज योर, 1/2 इज योर। क्या फर्स्ट रूल समझ में आ गया कैसे बेटा? हाँ वो आते हैं, इतना समझ में आ गया। अगर इसी में आपको मैं ये दे देता हूँ 2x की पावर 6, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड में, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको साथ ही रखो, इसको चाहे ब्रैकेट के बाहर कर लो, 6 आगे आएगा, x की पावर 5, तो आंसर क्या होगा, 12x की पावर 5, आंसर वुड बी 12x की पावर। समझ में आया? आपका नाम क्या बेटा? वंश। आपको वंश क्लियर है ये? ओके। आप लोग जो बेटा कनेक्टेड हो, एक ही बच्चा है नूर, क्लियर है बेटा ये? नूर आपको क्लियर है ये? यस सर। ओके करो एक सम करो, जब मुझे लगेगा कि क्लियर है तभी मैं आगे करूंगा। एक सम करो, √x क्यूब रूट एक्स, यहाँ पर 3 लिखने का मतलब समझते हो, x की पावर 1/3 होता। अगर मैं सिर्फ ये लिखता हूँ इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, और यहाँ पर अगर मैं 3 लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है x की पावर। अब आप डिफ्रेंशिएशन कर दो, 1/2 आगे आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1/2 रह गया, माइनस का 1/2।
और 1/3 आगे आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो क्या कह रहे हो? हाँ अलग अलग कर, एक का करना है फिर प्लस में दूसरे का करना। जैसे 1/3 आगे आया, उसमें से 1 माइनस किया, तो मेरा आंसर बनेगा एक्स की पावर -1/2 प्लस 1/3 एक्स की पावर -2/3। ये मेरा आंसर कर लोगे क्या? करो एग्जाम करो, अभी आप लोग करोगे, देखते हैं किसका ठीक आता है। y इज इक्वल टू 2x की पावर 6 3x के 4x प्लस 7, इसका डेरिवेटिव करो। बेटा 4x का क्या करोगे? x का 1 होता है, क्योंकि अगर मैं 1 आगे लेके आता हूं x की 0 1 ही हो जाता है, और सिर्फ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखो। अगर कोई नंबर पड़ा हो ना उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। रिपीट करता हूं, यहां देखो एक बार फिर से देखो, अगर आपके पास 4x का डेरिवेटिव करना हो, सिर्फ 4x का, तो आप लिखोगे ओनली 4, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे 1 होता है? x की पावर 1 है, 1 आगे आएगी, x की 0, और किसी की भी 0 1 होता है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 4। और अगर किसी डेरिवेटिव में सिर्फ कांस्टेंट पड़ा हो अकेला, तो कांस्टेंट तो वो होते हैं जो कभी नहीं बदलते, ये तो नहीं है ना कि 7 थोड़ी दूर चलने के बाद 8 बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता। या अभी सार गए तो 7 9 बन गया, वो तो फिक्स है, कहीं चले जाएगा, कोई टाइम हो कोई डिस्टेंस हो, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। जो कांस्टेंट ही नहीं है तो उसमें चेंज क्या होगा? 0। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? इसका बताओ, सबका सही होना चाहिए। लिख लो आप, बाद में बताना, सबको कर लो, सबको कर लो। डन हो गया, सबने कर लिया। पहला स्टेप देखो, आप एक एक करके चेक करो। फर्स्ट का आएगा 10x की 9, क्या ये सही है? दूसरे का आएगा 30x की 5, तीसरे का आएगा 6x की पावर 1, और 7x का सिर्फ 7 आएगा, और 10 का 0। 0 चाहे लिखो या ना लिखो, आपका ये आंसर है। किस किस का ठीक है? आपका विकास, योगेश, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2, उसमें क्या होगा, एक ब्रैकेट होगी ऐसे, जैसे इस ब्रैकेट में कुछ भी लिख दिया मैंने x² + 4, और इस ब्रैकेट की पावर होगी, इसका जो रूल है ना, आप पहले रूल को ध्यान से समझो ना, पहले तो वही लगाओ, पावर आगे आएगी,
ब्रैकेट की पावर कम हो जाएगी और ब्रैकेट में जो है वो सेम रहे, 10 आगे आएगा उसकी पावर कम हो जाएगी 9। इनटू में ब्रैकेट के अंदर का डिफरेंशिएशन, पहले तो लिख लो डिफरेंशिएशन किसका करना है, ब्रैकेट का, उसको अगले स्टेप में पूरा कर दो। ये तो काम हो गया ना फर्स्ट वाला, तो इसको साथ ही रखो। अब आपके लिए ये नया क्वेश्चन होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x और 4 का क्या होता है 0। दिस इज इट। पहले तो पावर को कम करो, जो ब्रैकेट के अंदर है ना उसको मत छेड़ो, उसको ऐसे ही रहने दो। ठीक, उसका फिर आप लिख लो पहले डेरिवेटिव ऑफ दिस, अगले स्टेप में जैसे आप पिछला रूल लगाते आए वो लगा दो, एक्स स्क्वायर का 2x की 1 और कांस्टेंट का 0, ये आपका आंसर है। यानी समझ में आ रहा है क्योंकि एंजल वंश अंश। एक दो एग्जांपल मैं और करवाता हूँ फिर और अच्छा समझ में आएगा। मान लो मेरे पास 3x की 4, 2x के 4x प्लस 1 सारे की पावर 121। तो पहला स्टेप क्या होगा, 121 आगे आएगा, इनटू में डिफरेंशिएशन ऑफ, पहले तो डी बाई डी एक्स लिख लिया करो, अगले स्टेप में इसको पूरा करो, इसका डेरिवेटिव जो ब्रैकेट था वो सारा लिख लिया। अब ये तो सेम आएगा ही आएगा, अब पहले वाला रूल लगा लो, 3x की 4 का कितना बनेगा, इसका कितना बनेगा, ये स्टेप तो साथ रहेगा ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव कर दिया तो ये सारा मिलके मेरा आंसर है। करो एक सम करो, x की पावर -5 +6 होल पावर -9, इसका डेरिवेटिव है। डन, सभी करके रखो एक बार। नूर आंसर दो इसका, देखिए इसका आंसर होगा 6 का 0 होता ना, ये आंसर है। ये समझ में आ रहा इसका, हाँ बेटा ये वाला x की -5 का डेरिवेटिव क्या होगा, -5 आगे आएगा, एक कम करेंगे ना, प्लस नहीं करेंगे एक कम करेंगे, इसका करो रूट ऑफ x4 + 1, रूट ऑफ x की 4 + 1,
डन। रूट का क्या लिखोगे पहले आप? हाफ ना, इसको आप पहले तो खोल के ऐसे लिखो। अब यहाँ डिफरेंशिएशन करो, हाफ आगे आएगा माइनस हाफ, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव क्या बनेगा? 4x। थोड़ा बहुत कटता हो कार्ड बने से, 2 से 4 कट रहा है, काट भी सकते हो। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फिर 2x³ माइनस हाफ नीचे आ सकता आ जाएगा x³ प्लस ऐसे भी। ये सिंप्लीफिकेशन इसका करो। डन, चेक कर लो एक बार अच्छे। इसमें यहां गलती मत करना, नीचे का डेरिवेटिव नीचे मत कर देना, इसको पहले ऊपर लिखो, इसको लिखो ही ऐसे, तब आपका डेरिवेटिव होगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। कैसे बेटा? हाँ वो माइनस हो जाएगा, उसमें क्या होगा देखो, मैं अभी करता हूँ। पहले तो 9 आ गया है, 9 आ गया है तो उसकी पावर कितनी रह जाएगी? उसकी पावर रह जाएगी 8 रह जाएगी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करो, 4x³ माइनस 4x⁻¹ प्लस 3, ये आंसर आएगा। सही है? ऐसे बच्चे गलती कर जाते हैं, जैसे 1/x³ था ना, वो क्या करते हैं इसका नीचे कर देते हैं 4x³, वो गलत है। डेरिवेटिव करने के लिए इसको ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर कैसे लाओगे? x⁻¹ करके इसको क्या करोगे? x⁻¹ कर लोगे क्या? इसका करो। कर लिया। आप स्केयर खोल भी सकते हो रेंटी लगा के, आपको एक नजदीक का होल स्केयर खोलना भी आता है ना, अब वो भी कर सकते हो, सीधा भी कर सकते हो। अगर मैं स्केयर खोलता हूँ तो a² + b² + 2ab यही बचेगा ना, a² + b² + 2ab। अब इसका करना आसान है, देखो x + x⁻¹ + 2 का डेरिवेटिव करना आसान है। x का तो 1 हो गया, -1 x⁻¹² और 2 का 0 हो गया, तो मेरा आंसर कितना आ गया? 1 - 1/x². अगर आप सीधा भी कर सकते हो, जैसे आपने किया होगा, आपने सीधा ही किया होगा,
सीधा कैसे होगा, टू आगे लेके आओ रूट एक्स और इसको एक्स की माइनस हाफ कर लो बेशक, पावर वन, फिर इसका करोगे तो हाफ एक्स की माइनस हाफ, इसका करोगे तो माइनस हाफ एक्स की माइनस थ्री बाई, ये भी सही है, सिंप्लीफाई करोगे तो यही बन जाएगा कट कट आगे, बट स्केयर हमें खोलना आता तो खोल सकते हो, ए प्लस बी का स्केयर तो इजी होता ना खोलना। इसका करना हाँ, क्योंकि वो माइनस टू बन जाता है और माइनस टू का तो डेरिवेटिव जीरो होता है, तो आंसर सेम ही होगा। पहले स्केयर खोलो एक्स, नहीं यहाँ पर फर्क आएगा, एक्स माइनस एक्स की माइनस हाफ, यहाँ प्लस ही आना चाहिए, हाँ प्लस ही आना ना, तो आंसर में कोई फर्क नहीं होगा, डी बाई बाई डी एक्स होगा वन माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस थ्री बाय टू ना, पहले मैंने शायद गलत कर दिया है, माइनस थ्री बाई टू नहीं किया था, देखना क्या किया था, नहीं नहीं ठीक है ना, ये इसका इसका माइनस वन ही बनेगा, जब स्केयर करेंगे तो माइनस वन बनेगा ना, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो वन माइनस एक्स की माइनस टू, वन माइनस वन बाय एक्स की, देख सकते हैं यहाँ तक सब बच्चे। एक रूल नोट करो सभी बच्चे, प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल उसमें क्या हुआ, दो वैल्यूज दो वेरिएबल मल्टीप्लाइड में होंगे, अभी तक प्लस माइनस में आ रहे हैं ना, मल्टीप्लाई में नहीं आ रहे, जैसे मान लो यहाँ हो एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ हो एक्स की क्यूब प्लस टू, इसकी भी पावर हो कुछ, अब यहाँ मल्टीप्लाई में आए, जब दो चीजें मल्टीप्लाई में आए प्रोडक्ट में आए तो रूल ये है, फर्स्ट एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर प्लस में सेकंड एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बारी बारी से करना है, एक को नहीं छेड़ना, दूसरे का डेरिवेटिव कर दो, फिर प्लस में उल्टा करो, फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मैं करके दिखाता हूँ, ये वाला रूल नोट कर लो, पोज करो, मेरे पास ये क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, वैसे तो मैं इनको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, चलो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, रूल लगाता हूँ, इसको मैंने फर्स्ट ले लिया, इसको मैंने सेकंड ले, तो रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स की पावर वन, फिर सेकंड एज सच जैसा है वैसे ही फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आंसर आ, फर्स्ट एज सच डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज सच डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इतना समझ में आ गया आपको, चलो फिर एक सौ इसके बारे में।
देखिए फर्स्ट एज सच एक्स की 7 + 1 का कुछ नहीं करना अभी, एक्स क्यूब प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या हो गया 3x के, प्लस एक्स क्यूब प्लस 4 एज सच ये कितना हो गया 7x की पावर 6। ये आंसर होगा आपको समझ में आ गया। तो आज हमने डेरिवेटिव का फर्स्ट लेक्चर किया था जिसमें अलजेब्रिक डेरिवेटिव मैंने सारा पढ़ा था। आज इतना ही करेंगे, कल जो लेक्चर होगा उसमें मैं फिर आपको एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन इनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा। लास्ट लेक्चर में आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअली जो मैथ्स के अंदर फंक्शन होते हैं ना वो चार तरह के फंक्शन होते हैं। फंक्शन का मतलब जिन वेरिएबल को हम डील कर रहे हैं, एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन जो हम कर रहे थे अभी एक्स एक्स के जो एक्स की फॉर्म में था, एक होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसकी हम कल बात करेंगे वो e की पावर में लिखा जाता है, एक होता है लॉगरिथमिक फंक्शन वो लॉग ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स, और एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो आपने 9th में पढ़ा है साइन एक्स कॉस एक्स टेंजेंट एक्स एंड। तो हमें इन चारों के डेरिवेटिव करने हैं। आज मैंने आपको अलजेब्रिक करवा दो, कल हम ये दो पकड़ेंगे इनको कंप्लीट करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। आज क्या डे है, थर्सडे और फ्राइडे लगातार क्लासेस रहेंगी, ये वाला टॉपिक आप पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल, थैंक यू बेटा। कल है ना, ये बोला ना मैंने थर्सडे और फ्राइडे, आज वेडनेसडे है, थर्सडे भी है क्लास और फ्राइडे भी, ये वाला टॉपिक हम कंप्लीट कर इस वीक में पूरा कर देंगे। फिर आपको शीट दे देंगे, दो दिन सैटरडे संडे आप कर लेना उसको, फिर मंडे को फिर कोई नया टॉपिक लेके, ठीक है। अभी एक लेक्चर हो गया, ये इतना ही है, 3 दिन में हो एक लेक्चर। इनकी 2 बजे क्लास है वो बैठ जाए, आप योगेश 2 बजे वाले भी मत लगाओ, जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना तब तेरे को लेके आए, अभी तो हम बीच में चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको समझ आया कल तो आप कंटिन्यू करो, आप फ्री हो बेटा, बुक ले लेना योगेश SL अरोड़ा, अपने व्हाट्सएप से ना मेरे को हेलो करना, मैं आपको ये लिंक भेजूंगा जहाँ वीडियो डालते हैं, इस लेक्चर को देख भी सकते हो घर पे दोबारा, कितने हो गए, ठीक है। ये कैलकुलस ही कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को कैलकुलस बोलते हैं, कैलकुलस मैथ्स का नाम है जिसके अंदर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन।